नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रावण का महीना है और ऐसे में क्या चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। खास ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ चीजें अगर हम गलतियां नहीं करते हैं तो वहां सफलता की गुंजाइश ज्यादा होती है, लेकिन हम गलती बार बार करते हैं तो वहां सफलता से हम दूरी बनाते जाते हैं। क्या चीजें नहीं करनी चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करना तो बहुत कुछ चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, अब इससे ज्यादा और क्या होना चाहिए। इससे ज्यादा तो बहुत सारी चीजें तो होती नहीं, लेकिन कुछ चीजें लंबी लिस्ट होती है जहां कहते हैं कि ये चीजें तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगानी चाहिए। अब हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी गुंजाइश जो है वो गलती की छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपको कोई खास चीज है वो बिल्कुल पसंद नहीं है और हम आपके आगे बार बार उस चीज को रखना शुरू कर दें तो आपको कैसा लगेगा? आपका मन प्रसन्न होने के बजाय आपका मन रुष्ट होने लगेगा, आप नाराजगी जताने लगेंगे, आप एंग्री होने लगेंगे। इनफैक्ट ना तो आपको अच्छा लगे फील होगा, प्लस इसके अलावा आपके अंदर एक भावना ऐसी होगी कि आप दूरी बनाने लगेंगे दूसरों के साथ। तो ऐसी चीज की क्यों जाए कि जिससे भगवान हमसे दूरी बनाना शुरू करते हैं। वैसे भगवान दूरी तो नहीं बनाते हैं, लेकिन जब वो चीजें जो भगवान को बिल्कुल प्रिय ना हो तो ऐसी चीजें क्यों उन्हें दी जाए, क्यों भेंट की जाए, क्यों उन्हें अर्पित की जाए? तो खास करके ये ध्यान रखने की जरूरत होती है, जो चीजें भगवान भोलेनाथ को नहीं प्रसन्न है सावन के महीने में, जो कि उनका बहुत प्रिय महीना है, इस समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब लिस्ट जो है वो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम भगवान को सबसे इजीली वे में क्या चढ़ाना चाहते हैं, फ्लावर्स यानी फूल। और आपको मालूम है उनमें हम एक मिस्टेक कर जाते हैं, ये भी फूल वो भी फूल है, चलिए बहुत सारे बुके बना करके ले जाते हैं शायद भगवान प्रसन्न हो जाए। लेकिन आपको मालूम है केतकी का फूल भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं है, और उनमें से भी जो सफेद केतकी होती है, जो सफेद होते हैं वो होते हैं केवड़ा, और जो पीले फूल होते हैं वो होते हैं स्वर्ण केतकी। तो केतकी का फ्लावर ही उन्हें पसंद नहीं है। तो अगर उन्हें जो चीज पसंद नहीं है आप वो चीज उनके आगे परोस रहे हो तो उन्हें तो खुशी नहीं होगी। अब केतकी के फूल जो चंपा का जो चंपक वृक्ष हम कहते हैं उसे केतकी का वृक्ष कहते हैं, उसे केतकी का पौधा कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो चीज भगवान भोलेनाथ को नहीं प्रिय है वो चीज उन्हें अर्पित ना करें। इससे भगवान भोलेनाथ आपसे वैसे भी प्रसन्न होकर के आपको खूब सारे आशीर्वाद दे देंगे। अब तामसिक भोजन, अब तामसिक भोजन में बहुत सारी लिस्ट आ जाती है, प्याज लहसुन और ये चीजें भी तो तामसिक हैं। तो आप तामसिक में नॉन वेजिटेरियन छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा आप लहसुन खूब भर भर के खाने लगेंगे, आप प्याज खाने लगते हैं। तो तामसिक भोजन नहीं करना मीन्स कि उनके अंदर ये चीजों का भी परहेज रखना, तामसिक विचार नहीं रखने। अब तामसिक विचार कैसे हो कि नॉन वेजिटेरियन विचार कैसे होते हैं, यानी किसी का बुरा करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना, ये ऐसी चीजें होती हैं, यही तो छोड़ी जाती है व्रत में। अब खाना छोड़ देते हैं, खाना छोड़ करके व्रत थोड़ी होगा। हाँ, खाने में आप तामसिक चीजें छोड़ दीजिए। अगर आप चाहें कि फ्रूट खा करके ही व्रत रख लें, फलाहार होकर के, तो भी आपका व्रत सफल हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आपको लगता है सिर्फ खाना ही छोड़ना आपका व्रत है तो आपके बाकी जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो आसपास की कैसे क्रिएट करते हैं आप? गंदे विचारों को छोड़िए, गलत विचारों को छोड़िए। हाँ, डेफिनेटली व्रत के अंदर जिस भोजन का प्रबंध होता है, जिस भोजन को ग्रहण किया जाता है उसे जरूर कीजिए। अगर फलाहार है तो फलाहार कीजिए। अगर आपको लगता है कि जो फलाहार में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे आलू का व्रत कुछ होते हैं, कुछ सिर्फ मिष्ठान का व्रत रखते हैं, कुछ सिर्फ जल का व्रत रखते हैं, कुछ लिक्विड का व्रत रख लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं।
बट जो जरूरी छोड़नी ही है वो चीजें हैं आपके विचार, गलत विचार वो छोड़ने हैं आपने। सावन के महीने में कहते हैं कि दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, दही का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी दूध और दही नहीं लेना चाहिए खाने की मात्रा में। लेकिन ये क्यों नहीं लेने चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कहते हैं ये बरसात का मौसम होता है, जो सावन का महीना ये बरसात का मौसम चल रहा होता है, बारिशें होती हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो हमारे ग्रीन चीजों के ऊपर, पत्तों के ऊपर पड़ने लग जाते हैं, और जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे भैंस है, बैल है, या हमारी गौमाता है, ये सारी जो है ये जब वो उनसे हरी चीजों का सेवन करने लगते हैं तो किसी ना किसी मात्रा में कुछ चीजें उनके मुख के अंदर चली जाती हैं। लेकिन जो दूध हमें मिलता है वो कहीं ना कहीं इस समय पौष्टिक नहीं होता है, इसीलिए उसका सेवन जो होता है त्याज्य होता है, यानी इस समय त्याग देना चाहिए ये चीजों को। तो हमें नुकसान ना हो, भगवान भोलेनाथ हमें सुरक्षित रखने के लिए हर कड़ी से कड़ी जोड़ते जा रहे हैं, बट हम कहीं कहीं गुंजाइश ऐसे छोड़ देते हैं गलतियों की, जहां हमारे खतरे में आ जाता है जीवन। तो ये समय जो होता है, एक मान्यता है कि इस तरीके से दूध का जो होता है वो सेवन होता है वो आपको नुकसान करने लगता है, इसीलिए इस समय दूध और दही की मात्रा जो है वो छोड़ दी जाती है। अब आती है कि और क्या क्या चीजें, जैसे बैंगन, बैंगन में कहते हैं कि इस समय कीड़ा लग जाता है तो नहीं खाना चाहिए। सब्जियों में भी कुछ चीजें परहेज है, जैसे हरी सब्जियों को थोड़ा सा त्याज्य होता है इस समय, नहीं खाने चाहिए। और इसके अलावा क्या करना नहीं चाहिए, दिन का शयन नहीं करना चाहिए। हमने पहले भी बताया ये वीडियो में कि दिन में कहते हैं कि सावन के महीने में निद्रा नहीं करनी चाहिए, नमक जितना हो सके कम से कम खाने की सलाह देती है कि इस समय हमें नमक जो है वो कम खाना चाहिए। अब प्याज लहसुन क्यों छोड़ा जाता है, प्याज लहसुन के पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि ये जो समय होता है, कहते हैं इस समय जो टाइम चलता है ये बरसात का मौसम का टाइम होता है, आपका डाइजेशन लेवल जो होता है वो थोड़ा सा कमजोर होने लगता है, इसीलिए आपको एकदम से कुछ गर्म चीजें पचाने में कहीं दिक्कत आती है, परेशानी होती है। ये चीजों का सेवन भी एक लॉजिक ये भी बनता है, प्लस दूसरा लॉजिक ये भी होता है कि ये लहसुन जो है वो तामसिक भोजन माना गया है, तो इसीलिए इसको त्याग देना चाहिए। इससे आपके शुद्ध विचार नहीं रहते हैं, थोड़े शुभ विचार नहीं रहते हैं, तो आपका मन जो है उत्तेजना की तरफ ज्यादा जाने लगता है, तो आपको शांत रह करके ही भक्ति का आनंद लिया जाता है, शांत भक्ति से ही फल पाया जाता है, शांत भक्ति आपको सफलता के, जीवन की सफलता की तरफ लेकर के जाती है, आपके सारे कार्यों में वृद्धि करती है आपकी शांत भक्ति। लेकिन जब हमारे मन के अंदर उत्तेजना, हमारे शरीर के अंदर उत्तेजना होती है तो हम भक्ति से थोड़ा सा दूर होने लगते हैं। तेल की मालिश कहते हैं इस समय नहीं करनी चाहिए, ये समय शरीर के ऊपर तेल नहीं लगाना चाहिए, खास करके हमें इस समय कांसे के बर्तन जो होते हैं, तांबे के बर्तन जिसे हम कहते हैं, कांसे के बर्तन का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कुछ चीजें जो है बड़ी क्लियर है, लेकिन अगर हम इन सारी चीजों का परहेज कर लेते हैं तो हम स्वस्थ भी तो रहते हैं, शारीरिक स्वस्थ भी रहते हैं और मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहते हैं। अब करना क्या चाहिए, आपने इतनी सारी चीजें तो छोड़ दी कि ये सब नहीं करना, वो नहीं करना, खाना नहीं, पीना नहीं। हमेशा सात्विक भोजन रखना चाहिए ज्यादातर, लेकिन सावन के महीने में प्योर सात्विक होना चाहिए आपको। सुबह जल्दी का स्नान करना चाहिए, अपने विचारों को शांत रखना चाहिए, बेवजह के उलझनों से दूरी बनानी चाहिए, भगवान का स्मरण जितना हो सके करना चाहिए। इन सारी चीजों को जब आप करेंगे तो आप बहुत नजदीक हो जाते हैं भक्ति की तरफ और भगवान के, तो आपको ढेर हुआ आशीर्वाद तो भोलेनाथ फिर दे ही देंगे। तो सावन के पावन महीने की सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी यूट्यूब चैनल की हर वीडियो को आप जरूर देखा करें।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतजार जरूर करें। सुबह 6 बजे का राशिफल जरूर देखा करें क्योंकि 6 बजे के राशिफल में आपकी कुंडली विजेता भी होते हैं, यानी लकी विनर चुने जाते हैं जिनकी कुंडली हर दिन देखी जाती है। तो आप डिटेल्स दोपहर की वीडियो में भी डाल सकते हैं, सुबह 6 बजे की वीडियो में भी डाल सकते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।